हेलो फ्रेंड्स, पनीर टिक्का मसाला जो सभी लोगों का काफ़ी फेवरेट होता है और ये बहुत ही सिंपल तरीके से घर में बनाया जा सकता है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते बनाना। इसके लिए मैंने लिया है 1.5 चम्मच हांकड़, यानी कि दही से मैंने पानी बिल्कुल भी निकाल दिया है। यहाँ पर लेंगे 1 चम्मच बेसन और इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। बाइंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर बेसन डाला और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे 1/4 चम्मच, साथ में डाल देते हैं चाट मसाला 1/2 चम्मच। यहाँ पे रेड चिली पाउडर मैंने डाला है 1/4 चम्मच, ये जीरे का पाउडर, भुनावा जीरा का पाउडर 1/2 चम्मच और कसूरी मेथी यहाँ पे ने लिया है 1/2 चम्मच और इसको मैंने हाथ से क्रश करके डाला है। गरम मसाला डाल देंगे 1/2 चम्मच, नमक डाल देते हैं 1/4 चम्मच क्योंकि मैंने यहाँ चाट मसाला भी डाला है। अच्छा, यहाँ पर सरसों का तेल मैंने लिया है 1/2 चम्मच, जिसको कि मैंने गर्म करके और थोड़ा सा ठंडा कर लिया था, यानी कि गुनगुना तेल इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हम डाल देते हैं इसमें शिमला मिर्च और प्याज, इन दोनों को भी अच्छे से हम मसाले में मिला लेंगे, बिल्कुल इसकी कोटिंग कर देंगे मसाले की। और पनीर डाल देते हैं 200 ग्राम, यहाँ पे मैंने पनीर लिया है। देखिए बिल्कुल ठीक है, अगर आप ज़रा सा भी इसको जो इसका जो मसाला तैयार हुआ है वो हल्का सा भी अगर पतला रहेगा तो वो बहने लगेगा। अब इसे हम बिल्कुल मैरिनेट करके छोड़ देंगे। मैंने यहाँ पे पैन ले लिया, उसमें डाल देते हैं 1/2 चम्मच रिफाइंड ऑयल, उसमें डाल देंगे तेज़पत्ता 1, बड़ी इलायची को मैं इस तरह से खोलकर और तोड़कर डाल रही हूँ, इसके छिलके को नहीं डालूँगी, 2 लौंग और 1 काली मिर्च डाल देंगे इसमें और सबको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। अब इसमें 1/2 प्याज मैंने डाला है, रफली बस चॉप करके हमको डाल देना है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 4 से 5 हम इसमें लहसुन की कलियाँ डाल देंगे, टमाटर डाल देंगे 1.5 और सबको हम अच्छे से पका लेंगे। काजू डाल दिया है मैंने 8 से 10 और इसको अब हम ढक देंगे ताकि जो भी है वो सारे अच्छे से पक जाए, गल जाए। और देखिए यहाँ पे मैंने ढककर 2 से 3 मिनट छोड़ दिया था, ये देखिए जो भी प्याज है या टमाटर है सारे अच्छे से गल चुके हैं, बिल्कुल कुछ इस तरीके से ये हो गया है। तो ये मसाला पीसने के लिए तैयार है। हम इसको एक मिक्सर के जार में डाल देते हैं और ठंडा करने के बाद ही हम इसको पीसेंगे। तो बस इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद इसको पीस कर तैयार कर लेंगे। एक पैन लेकर मैंने इसमें तेल डाल दिया है और जो भी हमने मैरिनेट करके रखा था प्याज को, शिमला मिर्च को और पनीर को, उसको इस तरीके से हम पैन में फ्राई कर लेंगे। अगर आप चाहें तो स्क्वेयर में डालकर उसको गैस के ऊपर आप उसे तंदूर वाला भी इफ़ेक्ट दे सकते हैं। तो मैंने तवे पे डाल के ही इसको इस तरीके से फ्राई कर लिया है, बिल्कुल हल्के हाथों से इसे अलटना पलटना और ये बिल्कुल फ्राई होकर रेडी हो चुका है। तो फिर से मैंने एक पैन ले लिया है, जो ऑयल उसमें बचा हुआ था उसी में मैंने 1/2 प्याज इस तरह से चॉप करके डाल दिया है और इसे हम थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। अब जो हमने मसाला बनाया था, जो प्याज टमाटर काजू अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था, उसको इसमें मैंने डाल दिया है और अब हम इसको इस प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। जो भी मिक्सी में मसाले लगे थे पानी डालकर मैंने इसको पलट लिया है। 1/2 चम्मच इसमें नमक डाल देते हैं, जीरा का पाउडर 1 छोटा चम्मच डाल देंगे, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच डाल देंगे, इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे 1/2 चम्मच और ये कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है 1/2 चम्मच, गरम मसाला डाल देंगे 1 छोटा चम्मच और सारे मसालों को डालकर हमें अच्छे से इसे भून लेना है। क्योंकि जब भी आप इस तरह का कोई सब्जी बनाएं तो मसालों को भूनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो अच्छे से पहले आप मसालों को भून लें। और ये देखिए मसाले भून चुके हैं, तो मैंने इसमें पानी डाल दिया है और मिक्सी में थोड़ा सा और मसाला लगा हुआ था तो मैंने उसी में पानी डाल दिया है और उसको अब इसके अंदर डालकर इसको ढक दिया है ताकि ऑयल इससे सेपरेट हो जाए। ये देखिए ऑयल ऊपर से दिखने लग गया है, तो हम इसमें डाल देते हैं जो भी हमने फ्राई करके रखा हुआ था पनीर, शिमला मिर्च और प्याज को, और अब इस मसाले के साथ हम इसको मिला लेंगे अच्छे से। वाओ, बहुत ही ज़बरदस्त ये पनीर टिक्का मसाला बनकर तैयार हुआ है। कसूरी मेथी डाल देते हैं 1/2 चम्मच और रेस्टोरेंट वाला बिल्कुल इसमें फ्लेवर देने के लिए मैंने इसमें लास्ट में डाल दिया है 1 छोटा चम्मच बटर का, आप ज़रूर डालें इसमें। और अगर आपके पास क्रीम हो तो आप क्रीम डाल दें, नहीं तो अगर आपके पास मलाई हो तो वो भी डाल सकते हैं। धनिया से मैंने लास्ट में इसको गार्निश कर दिया है और ये देखिए रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर टिक्का मसाला हमारा बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। तो आपको आ रही है ना बिल्कुल मुँह में पानी, तो फटाफट उठिए और जाइए किचन में और बनाइए आज के रात के डिनर में।
दोस्तों फिर से मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।